किसी घने जंगल में एक बड़ा और शक्तिशाली शेर रहता था। शेर का नाम सिंह था और वह जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था और सभी जानवर उससे डरते थे। सिंह का नियम था कि जो भी जानवर उसके सामने आएगा वह उसे शिकार बना लेगा। उसकी ताकत और रुतबे के कारण कोई भी जानवर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के दूसरी ओर एक शांत और हरा भरा चरागाह था, जहां एक छोटी और प्यारी सी मेमना अपने परिवार के साथ रहती थी। मेमने का नाम मीना था। मीना बहुत ही चंचल और मासूम थी। उसे जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह ज्यादातर अपने चरागाह में ही खेलती और उछलती कूदती रहती थी। एक दिन मीना चरागाह में घास चरते चरते थोड़ी दूर निकल गई और जंगल की ओर बढ़ने लगी। वह इतनी मासूम थी कि उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। खेलते खेलते वह जंगल के भीतर घुस गई। तभी उसकी नजर एक बड़े और घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे सिंह पर पड़ी। मीना को देखकर सिंह की आंखों में शिकार का लालच आ गया। उसने सोचा, यह छोटी मेमना तो बहुत ही आसान शिकार है, आज मेरा पेट इसी से भर जाएगा। सिंह धीरे धीरे मीना की ओर बढ़ने लगा। मीना ने जैसे ही शेर को देखा वह डर से कांपने लगी। उसे समझ में आ गया कि वह खतरे में है, लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं खोई और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि भागने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शेर तो उससे कहीं ज्यादा तेज था। शेर ने मीना के पास आकर कहा, तुम्हें पता है छोटी मेमना कि मैं जंगल का राजा हूँ और आज तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। मीना ने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर महाराज, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ताकतवर हैं और मैं आपके सामने बहुत छोटी और कमजोर हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बात करने का मौका देंगे? शेर, जो पहले ही मीना को शिकार समझ रहा था, उसकी साहसिकता और विनम्रता देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ समय है, लेकिन याद रखना, तुम मेरे भोजन से बच नहीं सकती। मीना ने धीरे धीरे कहा, आप जंगल के राजा हैं, आपसे हर कोई डरता है, लेकिन क्या एक राजा का काम सिर्फ अपने से कमजोरों को डराना और उन्हें खाना है? एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। शेर ने ध्यान से मीना की बात सुनी। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसे लगा कि वह तो हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने और शिकार करने के लिए करता आया है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि एक राजा का असली काम क्या होता है। मीना ने आगे कहा, अगर आप मुझे मार देंगे तो शायद आपका पेट एक दिन के लिए भर जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे और अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे तो आप असली राजा कहलाएंगे और जंगल के सारे जानवर आपकी इज्जत करेंगे, डर से नहीं बल्कि प्यार और आदर से। सिंह के दिल में मीना की मासूम और सच्ची बातों ने असर किया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची ताकत दूसरों की जान लेने में नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करने में होती है। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दीं छोटी मेमना। अब मुझे समझ में आया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने से कमजोरों की मदद करे, न कि उनका शिकार। तुम बहुत बहादुर हो और आज से मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना ने राहत की सांस ली और शेर को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आप महान राजा हैं शेर महाराज, जंगल में आपका नाम अब और भी सम्मान से लिया जाएगा। इसके बाद शेर ने मीना को जंगल के सुरक्षित रास्ते से वापस उसके चरागाह तक पहुँचाया। मीना अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई और सबको शेर की दयालुता की कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से शेर ने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करनी शुरू कर दी। वह अब केवल तभी शिकार करता था जब उसे भूख लगती थी, और वह भी किसी कमजोर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे न केवल राजा के रूप में स्वीकार किया बल्कि उसे आदर और प्रेम भी करने लगे। शेर का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश था, क्योंकि उसने सच्ची ताकत का मतलब समझ लिया था। मीना की मासूमियत और हिम्मत ने जंगल के राजा का दिल बदल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत दूसरों को डराने या उन्हें चोट पहुंचाने में नहीं होती, बल्कि उनकी मदद और रक्षा करने में होती है। और जब हम अपने से कमजोरों का ख्याल रखते हैं तो हम सबसे मजबूत और महान बन जाते हैं।